जम्मू कश्मीर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का भतीजा और डोडा जिले के कांग्रेस नेता मुजफ्फर आजाद ने भाजपा में शामिल हो गए हैं। जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मुजफ्फर आजाद और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। धर्मनगरी कटरा में 27 तारीख से क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत करवाने के लिए सलाहकार फारूक खान पहुंचे थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाया और साथ ही साथ इस मौके पर उनका कहना था कि उम्मीद है कि जल्द ही धर्मनगरी कटरा से भी खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत वरदान साबित हो रही है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने एक व्यक्ति एक गोल्डन कार्ड अभियान शुरू किया है। इसके तहत 58 लाख गोल्डन कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स विजयपुर में मरीजों, जमींदारों और स्टाफ को जरूरत की चीजों के लिए अस्पताल परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए एम्स में 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। एम्स को एक टाउनशिप के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिसके भीतर ही सभी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। एम्स में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से मरीजों के आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसी तैयारी की जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जम्मू पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जा रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर की धीमा पड़ने के साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा 2022 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार भोले के भक्तों को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवा देने की तैयारी की जा रही है। श्रीनगर से नीलग्रात और पहलगाम के लिए सीधा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। लगातार पिछले दिनों मौसम ने एक करवट बदली है और अब मौसम विभाग ने एक और जानकारी साझा की है कि 5 मार्च तक बड़ी बारिश या बर्फबारी की कोई भी अनुमान नहीं है। पर इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि मौसम ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और 2 और 3 मार्च को कश्मीर के उच्च इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में मिशन जल थल को कामयाब बनाने के लिए जिले के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इस मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में 2 जिलों के संरक्षण की दिशा में कार्रवाई की गई है। अब अगले चरण में 19 झरनों की साफ सफाई की मुहिम चलाई जाएगी। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें अब तक यूक्रेन छोड़ने में असफल रहे और पड़ोसी देशों तक न पहुंच पाने वाले छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि स्थितियां सफर लायक नहीं है या वे जो कुछ और कारणों से फिलहाल नहीं निकल पा रहे हैं, वे आगे होने वाले घटनाक्रमों पर नजर और इंतजार करते रहें। कर्नाटका में चल रहे हिजाब विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा है कि देश में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ जाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन ICJ को सौंप दिया है। अकारात्मक को सही ठहराने और नरसंहार की धारणाओं में हेरफेर करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।